सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान ओम माथुर जी, बहन उमा भारती जी, आदरणीय कल्लाद जी मिश्र, योगी आदित्यनाथ जी, यौम यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों यौम भाइयों, बहनों भाइयों, यह लखनऊ जहां पर कि उत्तर प्रदेश की यह महारैली हो रही है, इस लखनऊ का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहां पर उपस्थित हैं, इसलिए एक बार मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का हार्दिक अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। मेरे बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में पिछले 25-30 वर्षों में बहुत सारी रैलियां, बहुत सारी जनसभाओं को मैंने देखा है, लेकिन आज यह दृश्य जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि अपने राजनीतिक जीवन में उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी ऐसा दृश्य हमको देखने को नहीं मिला है। कोई कह सकता है यह रैली है, कोई कह सकता है यह महारैली है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं यह न रैली है न महारैली है, बल्कि जो मैं देख रहा हूं वह जन समुद्र है, मानव महासागर है, यह आज लखनऊ में दिखाई दे रहा है। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष केशव मौर्य को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की, 192 दिनों तक परिवर्तन यात्रा चलती रही है, और जो हालात उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, मैं कह सकता हूं कि अब परिवर्तन रैली उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बुनियाद रखने में पूरी तरह से सफल हुई है। लोग यह जानना चाहेंगे कैसा परिवर्तन उत्तर प्रदेश, ऐसा परिवर्तन चाहता है कि जिसका कि उत्तर प्रदेश हकदार है। आप सभी जानते हैं पिछले 70 वर्षों में लंबे समय तक पहले या तो कांग्रेस की सरकार रही है अथवा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हैं, थोड़े समय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जैसा विकास होना चाहिए था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य यह उत्तर प्रदेश है, यहां पर न जन संसाधन की कमी है न प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, फिर भी हमारे उस उत्तर प्रदेश का वैसा विकास नहीं हो पाया है। और आप सभी इस सच्चाई को भी जानते हैं कि जब से बहुजन समाज पार्टी की सरकारों के आने का सिलसिला प्रारंभ हुआ, आज यहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बहनों भाइयों भ्रष्टाचार तेजी के साथ बढ़ा है। इतना ही नहीं, आज के हालात को यदि देखें तो मैं कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ कानून और व्यवस्था के हालात भी बद से बदतर हो गए हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है, उस समय का भी सुशासन आपने देखा है, उस समय का भी आपने विकास देखा है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने लगता है सुशासन और विकास को बनवास दे दिया हो। आज मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, जिस सुशासन और विकास को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश से बनवास दे दिया है, उस सुशासन और विकास की घर वापसी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करेगी, यह मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, न तो यहां के किसानों के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार ने इंसाफ किया, न तो इसके पहले की बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने इंसाफ किया, न तो यहां के जवानों के साथ किया, न तो यहां के व्यापारियों के साथ किया, किसी भी पेशे के साथ जो है इंसाफ नहीं किया है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, किसान को अपना धान और गेहूं
कम से कम समर्थन मूल्य पर ही वह बेचता था, लेकिन आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि यहां पर किसानों के धान और गेहूं की खरीद भी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर पा रही है। हमारे किसानों को अपना धान और गेहूं औने पौने दामों पर लोगों को बेचना पड़ रहा है, किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे हालात यहां पर पैदा हो गए हैं। इतना ही नहीं, खाद के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, यही उत्तर प्रदेश है यहां पर यूरिया खाद खरीदने के लिए हमारे किसानों को लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, भीड़ लगती थी, उनके ऊपर लाठियां चार्ज होती थी, लेकिन आपकी नीतियों का यह परिणाम है कि मैं कह सकता हूं गौरव के साथ कि इस बार उत्तर प्रदेश में हमारे किसानों को खाद लेने के लिए लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ा है। आपने पर्याप्त खाद मुहैया कराया है और खाद की कीमत को भी पहले से सस्ती करने का काम यदि किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री जी आपने किया है। इतना ही नहीं, कई ऐसे अहम सवाल उत्तर प्रदेश के सामने, बेरोजगार नौजवान पढ़ाई लिखाई करने के बाद आज अपने मजबूत हाथों के रोजगार की तलाश के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है, लेकिन उसके हाथों को रोजगार का अवसर नहीं मुहैया हो पा रहा है। गन्ना किसानों का जहां तक सवाल है, गन्ना किसानों का 9000 करोड़ रुपया का बकाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी थी। मैं आपके प्रति उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपने उसकी चिंता की और 6000 करोड़ रुपया आपने मुहैया कराया, तब जाकर गन्ना किसानों का काफी हद तक भुगतान हो पाया है। लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं, आज भी गन्ना किसानों का 2500 करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन यहां की उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए बैठी है, उसे इसकी कोई चिंता नहीं है। आभार आपके प्रति इसलिए भी व्यक्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की किसानों की चिंता करते हुए आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो तैयार की, इस उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार को जिस प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए था, प्रदेश सरकार ने आज तक उसे प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया है। आपने किसानों की चिंता की है, आपने गरीबों की चिंता की है, गरीब माताओं और बहनों की आपने चिंता करते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर गरीबों के परिवारों में पहुंचाने का फैसला यदि किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री जी आपने किया है। नोटबंदी का फैसला आपने जो किया वह एक ऐतिहासिक फैसला है, साहसिक फैसला है, राष्ट्रहित में लिया गया यह फैसला है। इस पर भी यह लोग सवाल या निशान खड़ा करते हैं, आप भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते हैं, आप काले धन के खिलाफ आपने मुहिम छेड़ रखी है जब से आपने यह जिम्मेदारी संभाली है। और मैं जनता को भी याद दिलाना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, पहली जो हमारी कैबिनेट की बैठक हुई थी उस कैबिनेट की बैठक में ही प्रधानमंत्री जी ने काले धन के खिलाफ अपने अभियान का श्री गणेश उसी समय से कर दिया था। आज कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कि लोग यह कहते हैं कि यह एनडीए की सरकार ने देश की जनता को लाइन में खड़ा कर दिया है। अरे मैं याद दिलाना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस की हुकूमत, चाहे सपा अथवा बसपा की हुकूमत, इन लोगों ने राशन की दुकानों पर आपकी लाइन लगाई है, मिट्टी के तेल के लिए आपकी लाइन लगाई है, इतना ही नहीं चीनी के लिए आपकी लाइन लगाई है, यह तो बराबर आपको लाइन में इन्होंने खड़ा रखा है। टेलीफोन के लिए लाइन में लोग खड़े होते थे, गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइन में खड़े होते थे, लेकिन हमारी सरकार का यह फैसला है कि हम ऐसी कतारों को, ऐसी लाइनों को समाप्त कर देना चाहते हैं और हिंदुस्तान के हर अमीर और हर गरीब के लिए एक ही व्यवस्था देना चाहते हैं, यह सिलसिला हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। मैं नौजवानों के बारे में कहना चाहता हूं और कहने के पहले जवानों आपसे पूछना चाहता हूं, पुलिस की भर्ती हुई थी, पुलिस के भर्ती में क्या आपको न्याय मिला है कि नहीं, मैं जवानों से पूछना चाहता हूं, पुलिस की भर्ती में न्याय मिला है कि नहीं मिला है? सबसे ज्यादा यदि गड़बड़ी हुई है
तो आप जानते हैं अच्छी तरह, मैं उसकी बहुत डिटेल में जाकर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। दो तीन जिलों तक ही सारे लोगों का चयन पुलिस में हुआ है, लेकिन इंटरव्यू के नाम पर यह धांधली होती रही है। प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, बहनों भाइयों क्लास फोर के लिए अब जो भी नियुक्तियां होंगी, पुलिस कांस्टेबल के लिए जो भी नियुक्तियां होंगी, अब कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई मां का लाल भ्रष्टाचार करने का साहस नहीं जुटा पाएगा। आपके ऊपर भरोसा करते हुए, आप भारत के नागरिक हैं, आपके ऊपर हमारी सरकार को गौरव है। मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी फैसला किया है कि हमारे पढ़ने वाले बच्चों को, जवानों को अपनी ही सर्टिफिकेट, अपनी ही मार्कशीट को सत्यापित कराने के लिए, अटेस्ट कराने के लिए कभी अधिकारियों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और कभी एमएलए और एमपी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जी ने यह कहा, यह कहां का इंसाफ है इस देश के नौजवानों के साथ, जो वह नौजवान भी भारत का नागरिक ही है और उसे नेताओं और अधिकारियों का दरवाजा खटखटाना पड़े। यह फैसला किया कि यदि आप अपनी मार्कशीट अथवा सर्टिफिकेट को अटेस्ट कराना चाहते हैं तो मेरे बहनों भाइयों, अब आपको अधिकारियों और नेताओं का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा, बल्कि उस पर आप स्वयं लिख देंगे कि मैं सत्यापित करता हूं और नीचे आप हस्ताक्षर कर देंगे, वह सत्यापित मान लिया जाएगा। इस प्रकार के इतने बड़े बड़े प्रक्रियात्मक परिवर्तन हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, हम लोग केवल सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते थे, यही मैदान है। प्रधानमंत्री जी भी चुनाव के दौरान आए थे, मैं भी यहीं पर आया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं चाहते हैं, बल्कि हम व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन का सिलसिला भी इसे हिंदुस्तान में मेरे बहनों भाइयों प्रारंभ हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में जैसे हालात हैं, सपा बसपा कांग्रेस सभी डरे हुए हैं, गठबंधन की जुगाड़ में लगे हुए हैं। सपा में तो दंगल चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को किसी भी राजनीतिक पार्टी का दंगल नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में चाहिए तो केवल और केवल मंगल चाहिए, इसके अतिरिक्त तो उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ नहीं चाहिए। इसलिए इतना ही कहते हुए पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए यही अपील करना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 275 सीटों पर विजय दिलाकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएं और उत्तर प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त करें, यही अपील करते हुए और अंत में शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।